इसमें से दो कुकल लहसुन लेते हैं। बनाते हैं मेथी के पराठा जिसमें लहसुन डालते हैं। हम इसमें क्या क्या डालते हैं, कलौंजी डालते हैं एक चम्मच, यह आटा है ये मेथी है, तो मेथी के पराठा बनाने के लिए हमने कलौंजी डाला, थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डालते हैं और ये हरी मिर्च, ये लहसुन कटा हुआ। अब हम थोड़ा सा नमक डालते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं और आटा मारते हैं, उसके बाद हम पराठा बनाए इतना कुछ डालने के बाद। तो देखते हैं, बहुत टेस्टी बनती है ऐसे पराठा बनाने से। और हम इसमें अजवाइन भी डालते हैं थोड़ा सा और आटा मारते हैं। तो हम अपने गार्डन से लेते हैं पुदीना, काटते हैं बहुत सा, थोड़ा सा लग रही है तो हमारी चटनी बन जाएगी, तब तक हम पुदीना काट लेते हैं। अपना गार्डन के कुछ भी बनाए तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे गार्डन में छोटे छोटे सब कुछ लगे हुए हैं। फिर बढ़ जाएंगे, अभी हो जाएंगे, फिर अंदर भी है थोड़ा सा, देखो इधर भी है बहुत सारे, अंदर है। अब मैं अंदर नहीं घुसूंगी, यहीं से ले लेते हैं। अब अंदर जाएंगे तो लेट हो जाएगी। मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, अपना चटनी निकल गई, धनिया पुदीना की चटनी बन जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। इसको हम धो लेते हैं, अपने गार्डन पर जी क्या लटक गई। टमाटर, टमाटर डालते हैं चटनी में, लहसुन के डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं और नमक डालेंगे तो हम पुदीने की चटनी बनाते हैं। ये हमारी चटनी बन गई है, चटनी बन गई है। पराठा बन गई, बिल्कुल रेडी हो गई। करारे करारे, बिल्कुल करारे करारे खूबसूरत बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर चटनी, और ये बन गई।